एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि काजेहाया सावाको और रियू को एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी कुरुमी बोलती है, देखा मैंने कहा था ना। और तभी काजेहाया भागता हुआ जाकर सावाको को अपने साथ ले जाने लगता है। और अब यह देखकर वहाँ पर कुरुमी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब काजेहाया सावाको को अपने साथ ले जाता है। यह देखकर कुरुमी बोलने लगती है, आखिर यह क्यों हुआ। वहीं खड़ा रियू कुरुमी को देख रहा होता है। और अब रियू बोलता है, चाहे जो भी हो, अब बस मैं सोना चाहता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर यानो योशिडा को बताती है कि उनके बारे में रूमर्स कुरुमी ने फैलाए थे। यह सुनते ही योशिडा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह कुरुमी को मारने के लिए जाने लगती है। पर यानो उसे रोकती है और बोलती है कि हमें दिमाग से काम लेना होगा। और तभी योशिडा रोते हुए बोलती है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं अभी कितने ज़्यादा गुस्से में हूँ और मैं कुरुमी को गंदी तरीके से मारना चाहती हूँ, और तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। यानो बोलती है, मुझे पता था कि अगर यह बात तुम्हें पता चलेगी तो तुम क्या करोगी, इसीलिए मैं अब तक चुप थी। अब यह सुनकर योशिडा गुस्सा होते हुए बोलती है, मैं कुरुमी को नहीं छोड़ूंगी। अब वहाँ पर योशिडा गैस करने लगती है कि कुरुमी ने उनके बारे में यह रूमर्स क्यों फैलाए, जिस पर यानो उसे बताती है कि कुरुमी काजेहाया से प्यार करती है और वह काजेहाया के करीब किसी को भी आने देना नहीं चाहती, इसीलिए उसने यह सब कुछ किया। योशिडा बोलती है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मिडिल स्कूल में वह उन लड़कियों की मदद क्यों करती। यानो बोलती है, इसमें भी उसकी चाल थी, उसने एक एक करके अपने सभी राइवल्स को अपने रास्ते से हटा दिया। अब हमें दिखाया जाता है कि काजेहाया सावाको को एक जगह पर लेकर आता है। अब काजेहाया बोलता है, सावाको मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम रियू को पसंद करती हो। सावाको बोलती है, हाँ वह रियू को पसंद करती है, पर बस एक दोस्त की तरह, और वह रियू को रोमांटिक वे में पसंद नहीं करती है। अब यह सुनकर वहाँ पर काजेहाया चैन की सांस लेता है। वहीं काजेहाया को देखकर सावाको को उसकी काजेहाया के लिए फीलिंग समझ में आ गई होती है और वह समझ गई होती है कि वह काजेहाया को पसंद करती है। और अब काजेहाया वहाँ पर बैठ जाता है और शर्माने लगता है। तभी सावाको भी उसके पास बैठ जाती है और सोचने लगती है कि क्या मैं काजेहाया के लिए जो फील करती हूँ वही लव होता है। अब काजेहाया बोलता है, प्लीज़ सावाको मुझे माफ़ कर दो, मैं उस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, पर फ्यूचर में ऐसे कई टाइम आएंगे जब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली मैं जैसा तुम सोचती हो मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ, मैं एक सेल्फिश पर्सन हूँ और मुझे सब काम अपने तरीके से करना पसंद है। तभी सावाको बोलती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काजेहाया सेल्फिश हो या नहीं, या फिर वो सावाको को सपोर्ट करे या नहीं। अब यह सुनकर वहाँ पर काजेहाया सावाको को प्रपोज करते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर जाना पसंद करोगी, पर वह बात सावाको को समझ में नहीं आती है और वह बोलती है कि क्या हम कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। काजेहाया बोलता है, मैं यह नहीं कहना चाहता, मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रह सकते हैं। यह सुनकर वहाँ पर सावाको काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि यह एक मैच्योर डिसीजन है और उसने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा। अब काजेहाया स्माइल करता हुआ बोलता है कि वह इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर यानो योशिडा को कुरुमी के बारे में सब कुछ समझा रही होती है, पर योशिडा को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर रियू आता है। अब रियू को देखकर योशिडा उसे पूछती है कि क्या उसने सावाको को कहीं पर देखा है। रियू बोलता है, हाँ सावाको ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। योशिडा बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो। और अब रियू अपने जेब से निकालकर वह लेटर यानो और योशिडा को दिखाता है। अब वह लेटर देखकर योशिडा बोलती है कि यह सावाको की हैंडराइटिंग नहीं है। यानो बोलती है, तो रियू क्या तुम्हें यह अपने लॉकर में मिला था। रियू बोलता है, हाँ तुम्हें कैसे पता। यानो बोलती है, तो क्या जब तुम सावाको के साथ थे तब तुम्हारे पास कोई आया था। रियू बोलता है, हाँ काजेहाया और उसके साथ वह लड़की थी जिसके काफ़ी सुंदर बाल है। योशिडा बोलती है, तुम्हारा मतलब कुरुमी। और तभी वहाँ पर यानो हंसने लगती है और बोलती है, अब हमें कुरुमी का कुछ करना ही होगा। योशिडा बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम जाकर कुरुमी को गंदी तरीके से मारे और फिर वह अपने ही मुंह से सब कुछ उगल देगी। तभी यानो उसे रोकती है। योशिडा बोलती है, तुम मुझे बार बार क्यों रोक रही हो, अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। यानो बोलती है, हमें उसे सबक सिखाना है तो इसके लिए पहले हमें कुछ एविडेंस कलेक्ट करने होंगे, और जब कुरुमी के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा तब हम उसे सजा देंगे। और अब वहाँ यानो को देखकर योशिडा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलने लगती है कि यानो सच में काफ़ी ज़्यादा ईवल है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूम के बाहर खड़ी होकर कुरुमी काजेहाया का इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि काजेहाया अभी तक क्यों नहीं आया, और उसने यह सब करने में इतनी ज़्यादा मेहनत की पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। पर जैसे ही काजेहाया यहाँ पर आएगा कुरुमी उसे प्रपोज कर देगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। कुरुमी काफ़ी खुशी से उस ओर देखती है पर वहाँ पर पिन होता है।
अब पिन को देखकर कुरुमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं पिन भी सोचने लगता है आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। अब पिन कुरुमी के पास आता है और बोलता है कि वह यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर कुरुमी बोलती है कि वह स्पोर्ट्स का सामान इस रूम में रखने के लिए आई है और वह यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही है जिसके पास इस रूम की चाबी है। पिन बोलता है तुम्हें इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास इस रूम की चाबी है तो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ और तुम यह सामान अंदर रखकर यहाँ से जा सकती हो। अब पिन उस रूम का दरवाज़ा खोलता है और कुरुमी उस सामान को अंदर रख देती है। अब पिन दोबारा दरवाज़ा लॉक कर देता है पर कुरुमी अभी भी वहीं पर खड़ी होती है। पिन बोलता है अब तुम्हें क्या चाहिए। वहीं कुरुमी सोच रही होती है आखिर पिन यहाँ से जाता क्यों नहीं, और जब पिन यहाँ से जाएगा तभी वह काजेहाया से यहाँ पर बात कर पाएगी। वहीं पर कुरुमी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और अब यह देखकर पिन सोचने लगता है कहीं यह वह बात तो नहीं, क्या यह सच में इसीलिए मेरा पीछा कर रही है। और अब पिन कुरुमी के पास जाकर बोलता है मुझे माफ़ कर दो पर मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं। कुरुमी बोलती है यह आप क्या बोल रहे हो। पिन बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और मुझे प्रपोज करना चाहती हो, तुमसे पहले भी कई लड़कियों ने यह करने की कोशिश की है पर तुम मुझसे बहुत छोटी हो। अब यह सुनकर वहाँ पर कुरुमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है आखिर पिन की प्रॉब्लम क्या है और क्या यहाँ पर पिन कुरुमी को रिजेक्ट कर रहा है। पिन बोलता है तो अब मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम जाकर किसी अपनी एज के लड़के को ढूंढ लो। और तभी वहाँ पर काजेहाया आ जाता है और उनकी यह सब बातें सुन लेता है और तभी कुरुमी काजेहाया को देख लेती है। अब काजेहाया बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं यह सब सुनना नहीं चाहता था। कुरुमी बोलती है नहीं तुम गलत समझ रहे हो। काजेहाया बोलता है तुम परेशान मत हो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और तभी पिन काजेहाया पर चिल्लाता हुआ बोलता है काजेहाया क्या तुमने अपना पूरा काम खत्म कर लिया, तो फिर चलो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और अब पिन काजेहाया को अपने साथ ले जाने लगता है। कुरुमी काजेहाया को रोकने की कोशिश करती है तभी पिन बोलता है तुम मुझे पसंद नहीं तो फिर तुम जाकर किसी और को ढूंढ लो। काजेहाया बोलता है पिन तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया तो इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना। और यह सुनकर वहाँ पर कुरुमी का चेहरा देखने वाला होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि योशिडा और यानो स्कूल में उन फैले हुए रूमर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है पर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता है। और अब योशिडा और यानो एक जगह पर खड़ी होती है तभी वहाँ पर हिरानो और एंडो आती है। अब वह दोनों उन रूमर्स के बारे में उससे पूछती है जिस पर वह दोनों बताती है कि उन्होंने सबसे पहले इन रूमर्स के बारे में कुरुमी को बात करते हुए देखा था। अब योशिडा उन दोनों को थैंक्स करती है और बोलती है कि इससे हमारी काफ़ी हेल्प होगी, तो चलो यानो अब हमारे पास एविडेंस भी है। और तभी वहाँ पर यानो हंसने लगती है और बोलती है कि अब कुरुमी को कोई भी नहीं बचा सकता है। वहीं पर यानो को हंसते हुए देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अपने क्लास में सावाको आती है और वह वहाँ पर यानो और योशिडा को ढूंढती है पर उन दोनों में से कोई भी वहाँ पर नहीं होता। अब सावाको सोचने लगती है कि वह अपनी इस फीलिंग के बारे में उन दोनों को बताएगी तो उन दोनों का कैसा रिएक्ट होगा, और यह सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी सावाको को याद आता है कि कुरुमी ने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था तो अब उसे भी कुरुमी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए, और यह सोचकर सावाको कुरुमी को इस बारे में बताने के लिए जाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यानो और योशिडा ने एक जगह पर कुरुमी को पकड़ रखा होता है। अब यानो बोलती है कुरुमी तो अब तुम हमें उस बारे में सब कुछ बताओगी, और तुमने उस वक्त क्या कहा था कि तुमने उन रूमर्स को नहीं फैलाए हैं। कुरुमी बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यानो बोलती है अब तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती क्योंकि हमारे पास सबूत है। कुरुमी बोलती है भले ही तुम कितने भी सबूत और गवाह क्यों न इकट्ठे कर लो, तुम कभी भी यह नहीं बता सकती कि यह रूमर्स कहाँ से स्टार्ट हुए थे। अब यह सुनकर यानो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम अपने आप को ज़्यादा चालाक मत समझो, और अगर हम अभी चाहे तो हम तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को ऐसा बना देंगे कि तुम अपना चेहरा ही देखकर डरोगी। वहीं यानो का यह रूप देखकर वहां पर योशिडा भी डर जाती है। अब योशिडा बोलती है कुरुमी हमारे पास तुम्हारी हैंडराइटिंग है और यह लेटर भी जो तुमने रियू के लिए लिखा था, और तो और हमारे पास एक एविडेंस भी है। कुरुमी बोलती है तो इससे तुम क्या कर लोगी। योशिडा बोलती है क्या यह तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं है, पर वहाँ पर कुरुमी कोई भी जवाब नहीं देती है और यह देखकर वहाँ पर योशिडा को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। अब यानो आगे आती है और बोलती है तो अब तुम पहले से काफ़ी अलग एक्ट कर रही हो, तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे उस प्लान ने काम किया। यह सुनकर वहाँ पर कुरुमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और तभी वहाँ पर सावाको कुरुमी को ढूंढते हुए आ जाती है, और अब वह कुरुमी यानो और योशिडा को एक साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि वह उन सभी को एक साथ एक बात बताना चाहती है, पर पहले मुझे यह बताओ कि क्या अब तुम तीनों भी दोस्त हो। यानो बोलती है हाँ अब हम दोस्त हैं और हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे थे। सावाको बोलती है कौन सा इम्पॉर्टेंट काम। अब यानो उसे बताती है कि कुरुमी ही वह पर्सन है जिसने यानो और योशिडा के बारे में रूमर्स फैलाए थे, क्योंकि वह सावाको को यानो और योशिडा से दूर करना चाहती थी।
अब यह सुनकर वहां पर सावा को काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।